भागलपुर प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक सुजीत कुमार ने भागलपुर की वरीय पुलिस अधीक्षक नौगछिया एसपी और बांका एसपी के साथ बैठक की, जिसमें अपराध की घटनाओं को रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान को तेज करने, मुख्यमंत्री द्वारा शराबबंदी कानून की समीक्षा बैठक के बाद दिए गए निर्देश को कड़ाई से पालन करने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। वहीं अंतर्राज्यीय सीमा पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। शराबबंदी रोकने के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए निर्देश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया। स्मार्ट सिटी के एमडी प्रफुल्ल चंद्र यादव ने स्मार्ट सिटी परियोजना के काम में हो रही देरी को लेकर सभी एजेंसियों को तल्खी भरे शब्दों में कहा कि जिनका एग्रीमेंट हो चुका है वो तत्काल काम शुरू करें, समय से हर हाल में काम पूरा करें। काम की 15 दिन बाद अपडेट रिपोर्ट भी ली जाएगी। जिस एजेंसी का काम धीमी गति से होगा उस पर कार्यवाही भी की जाएगी। वेंडिंग जोन बनाने वाले एजेंसी को एक सप्ताह में काम शुरू करने का निर्देश भी दिया गया। भागलपुर नौगछिया पुलिस जिला के गोपालपुर थाना क्षेत्र के मालपुर में किशोर की पानी से डूबने से जान चली गई। किशोर का नाम शिवम कुमार, पिता जितेंद्र शाह है। मौके पर परिजनों ने बताया कि बालक नहाने के लिए गंगा नदी में उतरा था। नदी किनारे में बोरी पर से पैर फिसल गया, जिससे वो गहरे पानी में चला गया और डूबने से उसकी जान चली गई। वहीं डूबने की खबर मिलने पर परिजन दौड़कर गंगा किनारे पहुंचे, जहां से बालक के शव को घर लाया गया। मौके पर गोपालपुर थाने की पुलिस ने पहुंचकर सब को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम हेतु अनुमंडलीय अस्पताल नौगछिया भेज दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शराबबंदी को लेकर समीक्षा बैठक के दौरान कही गई बात का असर भागलपुर में देखने को मिल रहा है। जगदीशपुर पुलिस द्वारा थाना अध्यक्ष श्रीकांत चौहान के नेतृत्व में जगदीशपुर थाना क्षेत्र के भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर अंगाड़ी मोड़ के निकट सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत सभी दोपहिया चार पहिया सहित यात्री वाहन एवं निजी वाहन को रोक रोक कर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान किसी भी वाहन से शराब तो बरामद नहीं किया गया, परंतु वाहन का कागजात चेकिंग के दौरान कई वाहन चालकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने के कारण उनका चालान काटा गया। दोपहिया वाहन चालक की तलाशी के दौरान कई चालकों से हेलमेट नहीं रहने के कारण तथा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहने के कारण भी चालान काटा गया। जगदीशपुर थाना अध्यक्ष श्रीकांत चौहान, प्रशिक्षु दरोगा मुकेश कुमार, सुशील कुमार, पीटीसी धर्मवीर भारती, महिला पुलिस एवं सेफ के जवान भी शामिल थे। सुल्तानगंज अगवानी के बीच गंगा नदी पर 1710 करोड़ से पुल का निर्माण एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा की जा रही है, जिसका निर्माण नवंबर 2019 को पूरा होना था, लेकिन समय सीमा के अंदर काम पूरा नहीं हो सका है। पुल निगम के अधिकारी ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण पिछले साल लंबे समय तक लॉकडाउन लगा रहा, जिसके कारण बाहर से मजदूर ने आना बंद कर दिया, इससे काम में असर पड़ा। अब काम में गति अच्छी है, 2022 तक हम इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में सफल रहेंगे। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय परिसर के सभागार में 18 नवंबर से शुरू होने वाली पंचायत चुनाव के नॉमिनेशन की तैयारी को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू, सीडीपीओ उषा देवी, सांख्यिकी पदाधिकारी राकेश कुमार, कृषि पदाधिकारी अजय मणि ने संयुक्त रूप से 18 नवंबर से पंचायत चुनाव के नॉमिनेशन की तैयारी को लेकर प्रखंड के तमाम शिक्षक एवं कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ बैठक की। बैठक की अध्यक्षता कर रहे निर्वाचन पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू ने सभी को पंचायत चुनाव के नॉमिनेशन की तैयारी की रूपरेखा के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू ने मीडिया से बताया कि 18 नवंबर से पंचायत चुनाव के नॉमिनेशन की शुरुआत की जा रही है। इसको लेकर शिक्षकों एवं कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ बैठक की गई, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। नॉमिनेशन के लिए मुखिया पद के लिए 2 काउंटर बनाए गए हैं, वार्ड के लिए 18 काउंटर बनाए गए हैं, पंच के लिए 6 काउंटर बनाए गए हैं, सरपंच के लिए 2 काउंटर बनाए गए हैं, पंचायत समिति सदस्य के लिए 2 काउंटर बनाए गए हैं। 200 गज की दूरी में सभी समर्थकों को रहने का आदेश दिया गया है। साथ ही 200 गज की दूरी पर बैरिकेडिंग एवं पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। इस दौरान तमाम शिक्षक एवं कर्मचारी मौजूद थे। स्कैनिंग करने वाले कर्मी सभी के साथ आज अंतिम ब्रीफिंग की गई और इसमें सभी को जानकारी दिया गया है कि हमें से संबंधित क्या क्या कागजात लेना है और कुछ भी ना हो इसके लिए ध्यान रखना है। वार्ड का जो नामांकन होगा उसके लिए 18 कर्मचारी और
पंच के लिए बनाया गया कटहरा में दो क्वार्टर और सरपंच के लिए दो क्वार्टर व्यवस्था की गई और मेरी व्यवस्था के दृष्टिकोण से हम लोग बैरिकेडिंग वहाँ पर बैन व्यक्ति करेंगे। अभी नामांकन करने वाले हैं वो नामांकन स्थल से 200 मीटर के दूर ही रहेंगे, भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जमीन विवाद को लेकर राजू तांती जो मारूफ चक अंबे वार्ड संख्या 13 अंबे पोखर के पास का रहने वाला है, आरक्षी उपमहानिरीक्षक पूर्वी क्षेत्र भागलपुर के कार्यालय में एक फरियाद लेकर पहुंचा। उनका कहना है कि मैं इस जमीन विवाद से तंग आ चुका हूं, कई बार मेरे साथ कुछ लोग आकर मारपीट करते हैं। मीडिया से बात करते हुए राजू तांती ने कहा कि मनोज दास रंजीत साव मेरे घर आकर गंदी गंदी गाली देने लगा और घर घुसने लगा और रोकने पर घर का दरवाजा तोड़ दिया। उसने कहा कि तुम लोग घर से निकल जाओ, हम लोग यह जमीन तुम्हारे भाई शंकर ताती से खरीद चुके हैं। शंकर ताती एवं प्रदीप ताती मोबाइल से बात भी कर रहे थे, फिर हम लोगों ने कहा कि हम लोगों का ही बंटवारा नहीं हुआ है तो यह जमीन आपको कैसे दे दूं। इसी बात पर सभी मिलकर मुझे मारना शुरू कर दिए। मुझे बचाने के लिए मेरी बहन मीना देवी मंजू देवी मेरी पत्नी को भी काफी पिटाई कर दिया गया। साथ ही उन लोगों ने अंत में अल्टीमेटम भी दिया कि जमीन खाली करो वरना जान से मार दूंगा। भागलपुर की सुल्तानगंज के नगर सरकार भवन में सरकार के द्वारा स्वच्छता मिशन के तहत पटना से पहुंचे स्वच्छता मिशन की टीम के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता कार्यपालक पदाधिकारी शंभूशरण राय ने की। बैठक में मुख्य अतिथि सभापति नीलम देवी एवं पटना की टीम अनिल कुमार गुप्ता आयशा राज ज्योति कुमारी गौरव कुमार अंकित आनंद उपस्थित थे। बैठक में नगर सरकार एवं आवास विभाग द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन रूल्स के आलोक में नगर परिषद के अंतर्गत निकलने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा एवं गुणवत्ता को लेकर 5 दिवसीय क्षेत्रों में अध्ययन सह कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। बैठक के दौरान पटना से पहुंचे स्वच्छता टीम के सदस्य अनिल कुमार गुप्ता ने संबोधित करते हुए कहा कि शहर में कचरा का क्या मात्रा के बारे में जानकारी लेते हुए कहा कि कचरा से शहर के लोगों को कैसे रोजगार मिलेगा और कचरा से खाद कैसे बनेगा, तमाम बातों को लेकर विस्तार से बताया गया। और कचरा को जलाना नहीं है और ना ही गंगा में प्रवाहित करना है और गड्ढे में भी कचरा नहीं देना है, सभी कचरा को एकत्रित कर उसे उत्पाद बनाना है जैसे गैस खाद सहित अन्य रोजगार के बारे में बताते हुए शहर के लोगों को रोजगार मिल सके इसके लिए बिहार सरकार एवं भारत सरकार द्वारा विभिन्न शहरों में कार्य की प्रगति दी जा रही है। जो शहर के लोग अच्छे कार्य करेंगे उनके लिए सरकार द्वारा पुरस्कृत करने की बात कही गई जिससे शहर के लोगों को रोजगार मिल सके। इस दौरान नगर के सफाई कर्मचारी सहित तमाम कर्मी मौजूद थे। अनिल कुमार गुप्ता जी जो स्वच्छता विशेषज्ञ हैं अपने टीम के साथ पटना से आए हुए हैं, उनके लिए ही ये बैठक का आयोजन माननीय सभापति महोदया की अध्यक्षता में किया गया। इन्होंने कचरा प्रबंधन पर बहुत ही विशिष्ट और उपयोगी जानकारी दी। हम लोग आज के इस बैठक को अति महत्वपूर्ण मानते हुए बहुत ही सफल मानते हैं और हम इनसे अनुरोध भी किए हैं कि एक विस्तृत बैठक का समाचार आप दीजिए, यहाँ